बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला दे फजल व करम नाल अज दा व्लॉग करने स्टार्ट। अज दा व्लॉग जनाब स्पैशली खास किस्म सेवियां दी जिन्हां नूं फेणियां आखदे ने उहदे मुतल्लिक ए। ते उस्ताद यूसुफ साहब ने ते उहनां कोलों जनाब इस चीज़ की जिहड़ी रैसिपी पुछांगे कि यह जिहड़ी फेणियां ने किस तरह तैयार होंदियां ने, किहड़ी किहड़ी मकदार च मैदा पैंदा, चीनी पैंदी, जिहड़ी वी चीज़ इस्तेमाल होंदी है उह पुछ लैंदे असीं। ते हाँ जी उस्ताद जी, ऐ जनाब फेणियां ने जी जी रमज़ान शरीफ दी खास आइटम है। ठीक हो गया। ये मैदे के उत्ते बनदियां ने, तैयार होंदियां ने, मैदा तो घ्यो पैंदा इन्हां च। ठीक है। अगर तुसी 5 किलो मैदा पाते हो तो 2.5 किलो ये पैंदा है जनाब पानी। ठीक है। तो 2.5 किलो इसमें लगता घ्यो। ठीक हो गया। तो फिर ये फैणियां तैयार होंदियां ने। ठीक हो गया। काफ़ी अच्छे तरीके नाल फिर तलियां जांदियां ने। ठीक हो गया। फिर जनाब फैणियां बनदियां ने। इनू कम से कम कितना चिर तलना फ्राई करना पैंदा कि हो जाए? कम से कम 15 तो 20 मिनट एक लच्छे नू पकाना पैंदा जी। एक लच्छे नू पकाना पैंदा है। ठीक है जी। माशाल्लाह देखो ना किड्डा प्यारा जनाब कलर निकल आया इहदा फेणियां दा। ते उस्ताद जी तुसी किन्ना अरसा हो गया तुहानू इस शोबे नाल मुंसलिक, ते किन्ने अरसे ते तुसी इह फेणियां तैयार कर रहे हो? सानूं तकरीबन सर 20 साल हो गए ने फेणियां तैयार करदिआं आप ही खुद। ते इस शोबे दे विच ते तकरीबन सानू 30 साल हो गए। अच्छा 30 साल हो गए ने। ठीक है। ते की इहदे बारे च राय तुहाडी, वाम फेणियां पसंद करदी है कि? बिल्कुल बड़ियां पसंद करदी है, सेवियां नालों ज़्यादा इन्हां दी डिमांड है। ज़्यादा और सेवी नालों अच्छी चीज़ है। ठीक है। सेवी एक कच्चा मैदा होंदा, फैणी एक पक्के मैदा फ्राई किया होंदा मैदा। अच्छा मैदा पहले फ्राई कर दियो फिर बाद च? मैदा तैयार करके बाद च फ्राई किया। अच्छा बाद जिस तरह हुण फ्राई कर रहे हो। ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया। तुसी कहने का मतलब तुहाडा कि जिहड़ा सेवियां ने वह फ्राई नहीं करदे? वह फ्राई नहीं करदे। अच्छा अच्छा। वह वैसे तंदूर सकाईया जांदियां ने। अच्छा अच्छा तंदूर सका लैंदे ने। फैणी जिहड़ी है घ्यो च फ्राई होंदी। चलो उस्ताद जी बहुत शुक्रिया तुहाडा जनाब, तुसी सानू फेणियां बनाने का तरीका सिखाया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगली बारी